इसके बाद देखिए बहुत ही सारे भजन मुझे सुनाने, लेकिन आप देख रहे हैं ना, ये मेरे छोटे भाई हमारे महावीर जी सांकला के एक बार तालियां बजाएं, जिनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा विलंब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि देर में ही मजा है, क्योंकि आप जितना इनको सुनना चाहते हैं मैं भी उनको हर मंच के ऊपर इतना ही सुनना चाहती हूँ। लेकिन आज थोड़ा सा आनंद, क्योंकि उसके बाद कंटिन्यू इनका राउंड रहेगा, तो थोड़ी सी थोड़ा सा और मुझे झेल दीजिए। तो इसके बाद महावीर जी सांकला देखिए, मैं जहाँ पर भी जाती हूँ, आपको पता है मुझे एक बच्ची ने अभी मंच के ऊपर आकर कहा, कहा कि वो बिटिया कौन थी। हाँ, इस बिटिया ने मुझे कहा, आप सभी लोगों को पता है मैं माजी साहब को बहुत मानती हूँ, और मेरे जीवन में आज मेरा कुछ जो कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ जसोल वाली माँ माजी साहब माँ भटियाली माँ है। मैं हर जागरण में माँ का एक वंदना गाते, अगर बहनों की इच्छा हो तो मैं छोटी सी वंदना एक माजी साहब की गा लूँ। पहले बताओ हाथ ऊपर उठाए, ऐसे थोड़ी गाएंगे, क्या बात है। जसोल और जोगीदास, जोगीदास माँ की जन्मस्थली है। जसोल कौन कौन गया हुआ है, बस इतने लोग। अच्छा, नाकोड़ा भैरुनाथ कोई नहीं गया, नाकोड़ा, नाकोड़ा जाते हैं तो बीच में जसोल जरूर आता है, दर्शन जरूर कीजिएगा। मैंने इस वर्ष 12वीं 13वीं को जसोल में जो भजन की प्रस्तुति दी थी, शायद आप लोगों ने यूट्यूब पर देखी होगी, वही भजन जो हमारे मारवाड़ का नहीं पूरे राजस्थान का ट्रेडिशनल आर्ट का म्यूजिक है, वो क्या है, ढोल थाली। ढोल थाली के बिना हमारा कोई प्रसंग जाता नहीं है, चाहे वो खुशी का माहौल है। इसलिए माँ के दरबार में हमारे राजस्थान का ट्रेडिशनल आर्ट का ये म्यूजिक मैं आप लोगों के बीच में ढोल थाली में गाना चाहूंगी। ये माजी सा का भजन, बोले धुंधला जी मात की, बोले फटियाली मात की। आपको बहुत ही आनंद आएगा कि श्रवण हमारा जो है, ये महावीर जी सांकला बैठे हैं, माजी साहब के परम भक्त परम उपासक, इन्होंने डोगरी को बहुत माना, तब जाके ये ऊंचाई इन्होंने हासिल की है। माँ तो जिन जिन लोगों ने जो भी मांगा है माँ ने उसको झोलिया भर के दिया है, बस यही आशीष से आप लोगों के बीच में भजन प्रस्तुत करें। धन्यवाद।